प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग सबसे पहले प्लेनेट भोजपुरी चैनल देखने वाले दर्शकों को मेरा कोट कोट प्रणाम, बार बार धन्य निरंकार है। मैं रामचंद्र शाह, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं दबंग दामाद के सेट पर मौजूद हूँ और इस फिल्म में एक मुंशी जी का बहुत बड़ा कैरेक्टर कर रहा हूँ। इस फिल्म में हमारे मालिक यानी कि खलनायक अमित शुक्ला जी हैं, उनका मैं मुंशी हूँ। काफ़ी कुछ कॉमेडी है जो इस फिल्म को बढ़ावा देती हैं, लोगों को एंजॉय करेंगी। मैं आपसे बता दूं, इस फिल्म के नायक हैं रितेश पांडे जी, नायिका हैं अक्षरा जी, और खलनायक में अमित शुक्ला जी हैं। और भी ढेर सारे कलाकार हैं, स्टार कास्टिंग बहुत अच्छी है। और इस फिल्म के निर्माता हैं संजय प्रताप सिंह, राजेश बाबू, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दबंग डायरेक्टर चंदन सिंह। मैं बता दूं, इस फिल्म के राइटर हैं त्रिलोकी गाजीपुरी, उन्होंने फिल्म को काफ़ी अच्छा लिखा है। ये फिल्म एकदम साफ सुथरी फिल्म है, जैसा कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म ऐसी होती है वैसी होती है, ऐसा नहीं है, ये साफ सुथरी फिल्म है। इस फिल्म को परिवार के सभी लोग, बच्चे बूढ़े जवान, माँ बहन, सभी एक साथ बैठकर देख सकते हैं। दबंगई तो मेरी काफ़ी है, इसमें मेरा तकिया कलाम है, आँख मार के कुछ भी बोल रहा हूँ, आँख मार के ही बोल रहा हूँ। अभी एक छोटा सा मेरा डायलॉग है, मैं बताता हूँ कि हमारे मालिक बोलते हैं कि जा अपने छोटे लड़के को कि जाओ मजा करो, अब तुम्हारा लाइन साफ हो गया। तो मैं बोलता हूँ, यस छोटे मालिक, योर लाइन इज क्लियर, यू आर जाइंग एंड मजा करिंग, स्टार्ट फ्रॉम आँख मार के। लगभग मेरी अब तक 32 फिल्में हो चुकी हैं, लेकिन वो मेरे लिए मायने नहीं रखती। जो मेरी फिल्म रिलीज होती है, मैं उसी को समझता हूँ कि मैंने इस फिल्म में काम किया है। जैसे मेरी रिलीज फिल्म है फूल और कांटे, दिल और दीवार, दिलदार सजना, लव यू सजना, राम मिला जोड़ी, इंस्पेक्टर चांदनी, कर्मयुग, ये सब मेरी जो रिलीज हो चुकी हैं फिल्में हैं। ज़्यादातर मैं मुंशी का ही कैरेक्टर करता हूँ। मेरे आने वाली फिल्म है जो फ़िलहाल में रिलीज ही होने जा रही है, शायद इसी महीने रिलीज हो जाएगी, बनारसी पहलवान, किसमें कितना है दम, मुख्तार है, वो भी रिलीज़ होने वाली है। और एक फिल्म है जेकरा में दम्बा रोक सका तो रोकला। मैं आप लोगों से बता दूं कि मेरा ये जो तकिया कलाम बोलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो पहली फिल्म है जेकरा में दम्बा रोक सका तो रोकला। इसमें मेरा तकिया कलाम था मलाई मार के, या कुछ भी बोलता हूँ मैं इसमें मलाई मार के। उसके बाद कुंडी लगा के, धोती उठा के, चीलम चढ़ा के, ये आँख मार के, अभी अभी इसके पहले एक फिल्म किया मेरे प्यार से मिला दे, उसमें मेरा तकिया कलाम था धोती उठा के, चवन्नी काट के। और एक मैं हिंदी फिल्म में काम किया था संदेश, उसमें मेरा तकिया कलाम था चूना लगा के। और आगे हम एक फिल्म अभी शूट करने वाले हैं बनारसी छोरा, उसमें मेरा तकिया कलाम रहेगा साइलेंसर छुआ के। ये राइटर हैं श्री अनिल विश्वकर्मा जी, जो मेरे गुरु हैं, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया है। राइटर वही है, लिखते वही हैं, लेकिन मैं उनके साथ में शिष्य बनकर सजेशन देता रहता हूँ। कभी मैं सजेस्ट करता हूँ कि सर ये तकिया कलाम होना चाहिए, तो बोलते ठीक है तो रख लेते हैं, बाकी सब वही करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, बम्बई में मैं आया हीरो बनने के लिए, लेकिन तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, ये स्टूडियो, वो बंगले चक्कर काटने के बाद मुझे मिले नूर साहब, नूर मोहम्मद कुरैशी बांद्रा वाले,
उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, लेकिन मैं डायलॉग मांगता था। तो बोले, देख रामचंद्र, मैं जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर हूँ, डायलॉग नहीं मिल सकता। हो सकता है कहीं के तुझे मिल भी जा, तू एक काम कर, तू जा अपने गांव के भोजपुरी फिल्म में काम कर, और तेरे गांव के भी तमाम डायरेक्टर हैं यार, तेरे देवरिया का शिवराम यादव है, राजेश सिंह है, अखिलेश जी हैं, तमाम डायरेक्टरों का नाम बताए मगर अभी उतना याद नहीं है। तो पहली बार मैं राजेश श्याम यादव एक फिल्म कर रहे थे, कहीं दिया जरे कहीं जिया, तो मैं गोरखपुर गया शूट करने के लिए। उसमें मुझे एक बंगाली डॉक्टर का छोटा सा कैरेक्टर मिला। फिल्म थी कहीं दिया जरे कहीं जिया, दिया तो नहीं जला लेकिन जिया जरूर जर गया, इसलिए कि सुबह में मेरा सीन लगने वाला था और रात में ही जनरेटर वाला भाग गया, उसको पैसा नहीं मिला, तो पैसे के अभाव में वो फिल्म वहीं रुक गई। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वहाँ पर मिले श्री अनिल विश्वकर्मा जी। उन्होंने मुझे, मेरे काम को, मेरे व्यवहार को, मेरे आदतों को देखा, पढ़ा, परखा, राइटर तो हैं, उन्होंने परख लिया, यार ये तो बंदा बड़े काम का है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ श्री अनिल विश्वकर्मा जी की वजह से, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ अपने फिल्मी कैरियर को लेकर के। मैं सर्वप्रथम 1994 में बम्बई आया हीरो बनने, वो भी अपनी बीबी कहने पर। ये मेरा बचपन का फैसला था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन मेरी शादी हुई, बीबी आई थी, तो मैं घर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरी बीबी ने बोला कि तुम घर पे बैठ के मेरा मुंह देखते रहोगे तो कल दो बच्चे होंगे, चार बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, शादी ब्याह किधर से आएगा, इसलिए तुम बम्बई जाओ। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैं बम्बई नहीं जाऊँगा, लेकिन उसने कहा कि बम्बई नहीं जाओगे तो हीरो कैसे बनोगे। फिर मैं बोला, यार ये तो मेरा सपना था, जब तक बम्बई नहीं जाऊंगा तब तक हीरो नहीं बनूंगा। और मैं बम्बई आया, नूर साहब मिले, राधे श्याम जी मिले, जितेंद्र सिंह, ये बोरी बली वाले, काफ़ी लोगों ने, जैसे डीके सर हैं, डीओपी हैं, कैमरामैन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद दिया, काफ़ी लोगों को मिलाया, नंबर दिया उनका। तो इनको मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज जो कुछ भी हूँ डीके सर, श्री अनिल विश्वकर्मा की वजह से हूँ। इनका मैं बोलना भूल गया कि इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, श्री चंदन सिंह, आजकल इनको बोला जा रहा है दबंग डायरेक्टर चंदन सिंह। तो ये दबंग डायरेक्टर चंदन सिंह के द्वारा मुझे काफ़ी फिल्में मिली, किसमें कितना है दम, पागल दिलवा, मेरे प्यार से मिला दे, और अभी जो फिल्म कर रहा हूँ दबंग दामाद, ये इसके कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, दिवेस्ट फिल्म है ये, राइटर भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें हमारे गुरु यानी अनिल विश्वकर्मा जी एसोसिएट डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी अच्छी फिल्म बन रही है। जैसा कि और कलाकारों को आपने, आप लोगों ने देखा है, परखा है, सराहा है, प्यार दिया है, तो इसे भी, मुझे भी, यानी मुझे भी ढेर सारा प्यार दें। मैं आया तो हीरो बनने का बहुत ट्राई किया, लेकिन जिस भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के पास जाता था तो सब लोग बोलते थे कि देखो कोशिश करो, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये क्या खाने का चीज़ नहीं, चावल दाल नहीं है जो पका हुआ उठाए और खा लिए, आपको काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं घूम घूम के स्ट्रगल करने लगा, तो जब मैं शूटिंग में गया, शूटिंग देखा, वो सब काम देखा, वो बार बार कटिंग, वो सब, मैं बोला अरे यार हीरो बनना खाने का काम नहीं है। मैं सर 11 साल तक मैंने हीरो बनने का या एक्टर बनने का ख्याल ही छोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ, मैंने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, आमिर खान, जॉनी लीवर, इन लोगों के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाया था, जिससे भी मिलता था फ़ोटो खिंचवा लेता था, ऑटोग्राफ ले लेता था। तो मेरी साली एक, वो देखी तो बोली कि अरे ये तो मैं भी अभी जा कर के स्टूडियो में अक्षय कुमार के साथ फ़ोटो खिंचवा लूँगी, हैं तो मैं ऐसे ही कंप्यूटर से बनवा लोगे, बनवा लिए होगे, और बोलते हो कि मैं अमित जी के साथ काम करता हूँ, शाहरुख खान के साथ काम करता हूँ, आमिर खान के साथ काम करता हूँ। तो मेरे अंदर एक वो हुआ कि ये मेरा मजाक करिए, मैं बोला ए तू देखना चाहती है,
अभी बुढ़ावा में दम है। फिर मैं वही ठाना और मैं बोला अभी बम्बई जाता हूँ, और मैं नूर साहब के वहाँ तो पहले से ही काम करता था, डायरेक्ट नूर साहब के पास गया और मैं बोला सर ऐसी सी बात है, अब आप बताओ कि मैं क्या करूँ। बोले मैं हूँ मैं तैयार हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। तो फिर मैं उन्होंने मुझे भोजपुरी फिल्म जगत में भेजा, मैं यहाँ आया, मुझे काफ़ी सारा काम मिल रहा है अनिल विश्वकर्मा जी के द्वारा, चंदन सिंह के द्वारा। अब आपके साली जी क्या कहते हैं? अब हमारे साली जी खुश हैं, हमारे साली जी बोलती हैं मानेक पड़ी बुढ़वा में दम्बा। प्लानेट भोजपुरी चैनल के सभी दर्शकों से मैं यही बोलूँगा कि छोटे से लेकर बड़े कलाकारों को आप लोगों ने प्यार दिया, वैसे ही इस छोटे से कलाकार इस मुंशी रामचंद्र को भी प्यार दें, इज्जत दें। प्लैनेट भोजपुरी।